नमस्कार दोस्तों, BR07HL में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 3,36,00,00,000 रुपए मंजूर। बिहार में कैबिनेट में 12 एजेंडों पर लगी मुहर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल मिलाकर 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उसमें से आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा एक प्रस्ताव भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार के लिए 3,36,00,00,000 रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें अब दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल के लिए जरूरत की जमीन का अधिग्रहण का रास्ता साफ हो चुका है और ये उत्तर बिहार खासकर मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसके साथ ही नीतीश ने कैबिनेट के साथ बागवानी मिशन अनुदान राशि देने पर भी मुहर लगा दी है। कोविड से मौत पर 4.5 लाख मुआवजा राशि देने और इसके साथ ही फसल क्षतिपूर्ति के लिए 550 करोड़ राशि मंजूर करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। आपदा राहत राशि के लिए 50 करोड़ राशि भी कैबिनेट ने मंजूरी कर दी है। कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने ये कहा है कि मिथिला के लोगों की ओर से मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दरभंगा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु 78 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 336 करोड़ रुपए आवंटित करने के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा एयरपोर्ट से जुड़े हुए आज का अपडेट और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे विदा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय के साथ हर एक अपडेट हम सबसे पहले पहुँचा सकें आप तक। शुक्रिया।